हेलो शार्क्स, हाय, मैं हूँ शामिक, ये है बिलाल, अनिर्बान और ये है शायन, और हम हैं टीम एल्टोर। इंडिया में 25 करोड़ से भी ज्यादा बाइकर्स है और हर घंटे 6 से भी ज्यादा बाइकर्स की मौत होती है बाइक एक्सीडेंट्स की वजह से। 3 साल पहले एक दिन सुबह 7 बजे मेरे पास एक बहुत ही करीबी दोस्त की रोती हुई मम्मी की एक कॉल आती है, जो हमें ये बताते हैं कि हमारे दोस्त की मौत हो गई है एक बाइक एक्सीडेंट की वजह से। एक्सीडेंट के बाद 1 घंटे तक उसकी ब्लीडिंग बॉडी वहीं स्पॉट पर पड़ी रही। फिर कुछ लोकल्स ने उनको स्पॉट किया, जल्द से जल्द पुलिस को बुलाया और उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचे, उनको वहीं पर डेड घोषित किया गया, ये कहते हुए कि अगर थोड़ा सा भी पहले उनको लाया जाता तो शायद उनको बचाने का कुछ चांसेस था। और ये सिर्फ हमारे दोस्त की अकेले की घटना नहीं है, इंडिया में ऐसे लाखों परिवार है जो ये चीजों से गुजरते हैं। सबसे खराब बात तो ये है कि इसका अभी तक मार्केट में कोई सलूशन नहीं है जो कि एक्सीडेंट्स को जल्द से जल्द डिटेक्ट कर पाए और घर वालों को उसके बारे में इन्फॉर्म करे। अंटिल नाउ पेश करते हैं एल्टोर, इंडिया का पहला रेंज ऑफ स्मार्ट हेड गियर्स दैट अटेम्प्ट्स टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एक्सीडेंट्स। अगर कोई भी राइडर हमारा हेलमेट पहन के कोई भी एक्सीडेंट का सामना करता है तो हमारा एक्सीडेंट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी इसको तुरंत डिटेक्ट करता है और उसका लास्ट नोन डिटेक्शन के साथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को इमीडिएटली एक मैसेज भेज देता है ताकि उसके पास जल्द से जल्द मदद पहुंचाया जा सके। हम लोग 15th नवंबर से अपना सेल्स शुरू किया है एंड ऑलरेडी इन दिस शॉर्ट टाइम हम लोग 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच चुके हैं एंड हमारे पास 500 से भी ज़्यादा पेड प्री ऑर्डर्स हैं। आज के इस शो में हमारा आस्क है 50 लाख फॉर एन एक्सचेंज ऑफ 5% इक्विटी। तो शार्क्स, आप में से कौन कौन तैयार हो टू राइड स्मार्ट एंड राइड सेफ विद एल्टोर? गाइस, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सो मच अनुपम सर। क्या हम डेमो देख सकते हैं आपके प्रोडक्ट का? बिल्कुल, लेट्स डू इट। सर, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा करंट प्रोडक्ट व्हिच इज अ फुल्ली बिल्ट इन स्मार्ट हेलमेट। इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है और हेलमेट नॉट वर्न है अभी। और जैसे ही एक राइडर पहन लेता है, सिस्टम उसको डिटेक्ट करके हेलमेट वर्न कर देता है। इसके चलते बाकी सारे फंक्शनलिटीज अब एक्टिवेट होते हैं। तो सोचिए कि बिलाल एक राइडर है जो राइड कर रहा है और उसके पास एक फोन कॉल आता है। सो ऑल ही हैज टू डू इज एक उंगली से स्वाइप अप करना होता है एंड द कॉल गेट्स एक्सेप्टेड एंड सिमिलरली उसको डिस्कनेक्ट भी किया जा सकता है कॉल को। नेविगेशन का भी मदद लिया जा सकता है गूगल असिस्टेंट इन्वोक करके और उसको वॉइस कमांड्स देके। टेक मी टू जुहू बीच। अभी हम सेफ्टी और के फीचर्स एक बार दिखाना चाहेंगे आपको। कोई भी राइडर अनसेफ फील कर रहा है, विद द टैप ऑफ अ बटन वो अपने प्रीसेट कॉन्टैक्ट्स को अपना लास्ट नोन लोकेशन सेंड कर सकता है, जो हम लोग का सबसे रैश ड्राइविंग डिटेक्शन और गेमिफिकेशन का फीचर है, जैसे आप देख सकते हो। तो एक राइडर दिन पर कैसे चल रहा है, उसका हेलमेट वेयर कैसा है, वो कितना टाइम सही तरीके से गाड़ी चला रहा है, उसके ऊपर उसको पॉइंट्स और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अगर वो खराब तरीके से गाड़ी चला रहा है तो उसको इनपुट्स मिलता है कि कैसे वो सही कर सकते हैं। तो ये रिवॉर्ड्स और कूपन्स के साथ वो इंसेंटिवाइज रहते हैं कि हाँ, हमको अभी सही से चलाना चाहिए, मुझे और यूज करना चाहिए। अभी हम आपको अपना फ्लैगशिप जो फीचर है एक्सीडेंट डिटेक्शन, उसका एक डेमो दिखाना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू मेंशन कि प्लीज डोंट ट्राई दिस एनीवन एट होम। सो अगेन, दिस इज अ सिमुलेशन, वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर हियर। सो विद द काउंट ऑफ 3, शायन विल हिट हिम। 3, 2, 1। तुमने वॉलंटियर किया ये करने के लिए कि पैसे दिए? सर, इसको कल से 50 बार मारा जा चुका। बिलाल, बिलाल, एक सेकंड, आप ठीक तो हो ना? या, नीड अ ग्लास ऑफ वाटर और समथिंग? नो। तो सर, जैसे कि आप देख सकते हो, सिम्युलेटेड है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है। इतने कोशिश के बावजूद भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी है और क्योंकि एक बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है, फॉल्स पॉजिटिव केसेस 1% डेफिनेटली हो सकता है, वी डोंट डिनाई दैट, बट उसके वजह से हम लोग का एक काउंटर है कि राइडर को अगर लगा ये फॉल्स हुआ है, ही गेट्स अ टाइमर जिसके अंदर वो कैंसिल करके उसको नलीफाई कर सकता है। ब्रो, कैंसिल कहां पे करेगा? ऐप से भी कर सकता है, हेलमेट से भी कर सकता है विद अ स्वाइप बैक। आपने शुरू की कंपनी आपके दोस्त की दुर्घटना होने के बाद की पहले से ही आइडिया आपके मन में था? ये हम लोग जो दोस्त का एक्सीडेंट बोले, वो हमारा सबसे बड़ा ट्रिगर था। वो हमारे एक बहुत ही करीबी हिस्सा था ग्रुप का। और सबसे जो चीज हम लोग को चुभा वो ये है
कि कोई भी उसको टाइमली मदद नहीं दे पाए. सी इट्स नॉट अबाउट एक्सीडेंट्स, इट्स अबाउट टाइमली एड आफ्टर एन एक्सीडेंट. ये कब की बात है? ये है 2016 की बात. 2016 आप सब कॉलेज में थे वो वक्त में? हम सब तब सेकंड ईयर इंजीनियरिंग. कौन सी कॉलेज में, कहां पढ़ाई? इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इन कोलकाता. इन कोलकाता. और फिर वहां से आपने कॉलेज में ग्रेजुएट करके फिर ये काम कब शुरू किया? हम लोग 2019 से शुरू किया. 2019 से. जी. चलो बहुत अच्छी बात है. अपने दोस्त के लिए आप कुछ कर रहे हो जो सबकी मदद करेगा. थैंक यू सर. बहुत बड़ी बात. थैंक यू सर. इस स्पेस में और भी लोग हैं इंडिया में? सर इन द होल स्मार्ट हेलमेट कैटेगरी ग्लोबली का ही सारे प्लेयर्स हैं, बट इंडिया में ऐसा कुछ इसके ऊपर नहीं है सो फार. इसमें हेलमेट के अंदर सिम लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है सर. मतलब अभी एग्जिस्टिंग वाले में प्रोविजन है? अभी वाले में नहीं है. तो अभी जो कनेक्टिविटी है वो फोन के थ्रू होनी पड़ेगी? जी सर. जी. फोन डिस्ट्रॉय हो गया तो कॉल किसके थ्रू जाएगा? आई विल एक्सप्लेन सर. तो जैसे ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है, पूरा सिस्टम को कांस्टेंट मॉनिटर करता है. सो जो लास्ट कनेक्शन पॉइंट है ब्लूटूथ के साथ, जब भी सिस्टम समझता है कि कुछ हुआ है, वो लास्ट कनेक्शन पॉइंट पे कॉल बैक करके वो इमरजेंसी कॉल्स इनिशिएट कर देता है थ्रू द ब्लूटूथ. ग्लोबली इतने कंपनीज हैं जो ये कर रहे हैं. जी सर. चाइना में ये बनना शुरू हो जाएगा तो आप कैसे कम्पीट करेंगे? वी आर ऑलरेडी रीचिंग आउट टू प्लेयर्स जिसको हम लोग इसको टेक को लाइसेंस कर सकता है. ये टेक्नोलॉजी इतना ऑप्टिमाइज्ड है कि पूरा सिस्टम एक पाम के साइज में आ जाता है. जो एग्जिस्टिंग लाइक वी हैव लिटरली ओपन क्लोज टू 30-35 स्मार्ट हेलमेट जितने आते हैं दुनिया में, नन ऑफ देम हैव इट. सो विद दिस ऑप्टिमाइज्ड टेक जो बिग प्लेयर्स है वो उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है. उसका पूरा R&D कॉस्ट बच जाता है, उनका टाइम टू मार्केट बच जाता है. तो आप एक लाइसेंसिंग अरेंजमेंट बिजनेस मॉडल भी कर सकते हैं? एग्जैक्टली. आप लोग हेलमेट कंपनी? सर वी आर अ टेक कंपनी for a range of smart headgears. You don't want to be a helmet company? No sir, absolutely not. So aapko Altor Inside banana hai? Absolutely sir, that's the goal. Cost aur selling kya rehta hai? Ji, price. Correct sir. To hum log ka ye current product ka price hai 5000. 5000? Correct. Because ma'am iska primary aim hai to make it affordable. हम लोग का margins isme abhi काफी low है, so the landed cost 5000 में margin भी low है? जी सर. I'll tell you why sir, because ये 5000 अभी selling price है. The landed cost currently is coming at 4000. और उसका एक बहुत बड़ा reason ये है कि last एक साल से पूरा global supply chain हिला हुआ है due to COVID. Correct. There is a huge commodity inflation. Ultimately ये cost नीचे आ जाएगा. Yes. पर कितना आ जाएगा? 2-2.5 हजार आ जाएगा? 2500 तक आएगा? 3000 तक definitely आ जाएगा. तो मैं आपको एक offer देना चाहूँगी. पर आपको टेक्नोलॉजी कंपनी बनाना है, इसमें फार्मा का कोई काम है नहीं? नहीं, फार्मा का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हम बना लेंगे, कस्टमर्स लाना मुश्किल है. वो हमारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं फार्मा ओनर्स, वो आपके कस्टमर्स बन जाएंगे. तो मुझे आपको एक ऑफर देना है, उसके पहले फटाफट आंसर्स दे दीजिए. एज अ कस्टमर, हेलमेट के अलावा मुझे आपके ऐप और वो डेटा ऑफ रिस्क और कस्टमाइज ट्रेनिंग, उसके लिए भी अलग पैसे देने होंगे आपको? ऐप इंस्टॉलेशन एटसेट्रा के लिए कुछ नहीं देना पड़ेगा. फॉर द फर्स्ट ईयर वी कंप्लीटली प्रोवाइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेटा एंड सर्विसेज फ्री. आफ्टर दैट फ्रॉम द सेकंड ईयर देयर इज अ वेरी नॉमिनल चार्ज ऑफ से 99 फॉर यू नो हाफ 6 months समथिंग लाइक दैट, जो इसको कवर करता है. आई वुड लाइक टू ऑफर 50 लाख फॉर 20%, व्हिच आई थिंक इज फेयर गिवन दैट आई विल हेल्प यू इन मैन्युफैक्चरिंग, व्हिच इज प्राइस रिडक्शन. सेकेंडली मैसिव कस्टमर कनेक्ट्स, क्योंकि whether it is insurance companies, bike companies or pharma companies, I can open those doors and those contacts. मैं अपना डिसीजन बता दूं, मेरे को वैसे ही तुम लोग बहुत पसंद आए. यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ ना मुझे कुछ हो जाता है. थैंक यू सो मच. स्मार्ट वेयरेबल्स में मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और ये स्मार्ट वेयरेबल में भी आ सकता है. इसमें थोड़ा सा मेरा बस पॉइंट है कि मैं आप लोगों को और थोड़ा ग्रिल करूंगा टुवर्ड्स स्टाइल. अगर हम थोड़ा स्टाइल भी डाल देंगे ना, इट विल हेल्प अस. जो कम्युनिटी जिसको हम टारगेट करते हैं ना, उनको स्टाइल भी चाहिए. और मेरे को ना जो पीयूष की बात थी ना कि लोग आ जाएंगे, उससे डरना नहीं चाहिए. जब हम भी घुसे थे ना 200 लोग थे, हमने उसमें भी अपना पाथ निकाल लिया. Absolutely, अगर सही डायरेक्शन वगैरह मिले ना तो पाथ मिल जाएगा. तो मैं भी आपको ऑफर देने को तैयार हूँ. 50 लाख रुपीज फॉर 10%. थैंक यू सो मच. वाओ. मेरे में पेशेंस बहुत कम है. जी सर, वी अप्रिशिएट. दूसरी बात, मैं उनका ऑफर मैच करती हूँ और मेरे में भी पेशेंस कम है. दोनों में पेशेंस कम है और दोनों का ऑफर भी सेम. वी आर लविंग इट, इज ऑल वी कैन से. सो 50 लाख फॉर 10%, टू ऑफर्स. अभी इसमें क्या है ना कि बहुत शार्क्स अभी इंटरेस्टेड हैं और सबका अलग अलग विजन है इस कंपनी को लेके.
और यहाँ पे एज एंटरप्रेनर्स आपको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मुझे हेलमेट कंपनी बनना है या मुझे टेक्नोलॉजी विच प्रिवेंट्स एक्सीडेंट बनना है। तो क्योंकि ये बहुत उससे डिपेंड करेगा आपको फोकस कहाँ करना है। नहीं, मुझे लगता है अपना फोकस है। मुझे भी लगता है, मुझे ज्ञान नहीं बांटना। इसलिए मेरा ऑफर पहले था। अश्नीर, अनुपम और मैं। यार ये फिर गलत हो रहा है यार। राइट, हम तीन लोग आ रहे हैं इसमें, तो हमारा ऑफर भी सेम है, 50 लाख 10%। मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या फोकस रहेगा। आप मशीन लर्निंग और AI पे काफी काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कहोगे कि हमें डिटेक्शन को पूरा सॉल्व करना है और वो आपका पर्पस है क्योंकि आपके फ्रेंड के साथ हुआ, तो उसमें मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ इन हेल्पिंग गेट टू दैट। क्योंकि जो आंखों की पावर होती है ना, मैं हमने 2 साल पहले सॉल्यूशन बना लिया था कि मैं AI के थ्रू आपकी पावर बता दूं, पर फॉल्स नेगेटिव इतना ज्यादा आता है ना कि आज तक हम उसको लॉन्च नहीं कर पाए। वो आज तक नहीं कर पाए, तुमने अभी ऑलरेडी कर दिया। एग्जैक्टली, सबसे इम्पॉर्टेंट यूज केस है कम्युनिकेशन और नेविगेशन। उसको अच्छे से अगर इंटीग्रेट कर देते हैं और वो यूज केस के लिए भेजते हैं, कोई भी एक को पकड़ के पहले बहुत बढ़िया कर दो ये कह रहे हैं, तो उसके बाद में हम और यूज केस स्टैक कर सकते हैं। तो उसका GTM वो मेरे हिसाब से होना चाहिए, बाकी आप लोग बेटर जानते हैं। मेरे को तो सिंपल ये लगता है, हेलमेट 500 रुपए में भेज दो और बाकी ऐप के अंदर ही किश्त से निकाल लेंगे। हमारा भी यही है कि ये 5,000 का बिकेगा ही नहीं, ये 500 रुपए का बिकेगा और बाकी जितना भी कुछ है ना सब्सक्रिप्शन, वो सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के थ्रू आएगा। नहीं तो ये, और उसके लिए लॉस लेना पड़ेगा शॉर्ट टर्म, और उसको वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग हो जाएगी, वो अश्नीर पूरा ला सकते हैं, इसीलिए हमने कॉम्बिनेशन बनाया। तो हमारा ऑफर ये है। अमन कंबाइन कर, मेरा कंबाइन, मैं और अमन कंबाइन कर रहे हैं अभी। इनके जो ऑफर है ना, ये बहुत सारे कंडीशंस के साथ आ रहे हैं। आपको लगा हमने कंडीशन लगाया? मेरा और अमन का एकदम अनकंडीशनल ऑफर है, आपको जो करना है आप करो। और सुनो, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, स्मार्ट में जो रेवोल्यूशन आ रहा है ना, वो स्मार्ट लोग ला सकते। True, true. We are not getting into this one. मैं और नमिता जो हम मिलके ला सकते हैं ना, हमारे को मैन्युफैक्चरिंग आती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। I want to disagree there. इनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे खाली लेंसकार्ट के पास है। चलो वो छोड़िए, वो छोड़िए, let's get to the point. You have two offers. एक ऑफर है नमिता एंड अमन, 50 lakhs for 10%। दूसरा ऑफर है अश्नी, पीयूष एंड मी, 50 lakhs for 10%। Those are the only two offers. Perfect. आप प्लीज जाइए, बात कीजिए, डिसीजन बना के आइए। Please give us a minute. Thank you very much. Thank you so much, sir. Please give us a minute. We'll be back. अरे वो लेंगे तो इन तीनों को ही यार। लेंगे तेरा, 100% तुम तीनों को ले। तेरा नहीं। अरे यार तीन लोग टेक्नोलॉजी बेच रहे हो। तीन में वो हो जाता ना, यू नो, तीन चार के सब बिकते। अश्नीर कह रहा है मजे करने, डील आए ना है। ये बहुत मुश्किल काम है यार, इतना आसान मुश्किल काम है। मैं स्मार्ट वेरिएबल्स में ना, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन हेलमेट कंपनी में स्मार्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आसान तो कुछ भी नहीं है, आसान तो आप लोगों से डील लेना नहीं है। थैंक यू सो मच, इट्स बीन एन एब्सोल्यूट ऑनर कि आप सबसे वैलिडेशन या ऑफर्स मिले। थैंक यू फॉर अ ग्रेट प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच सर। सो सर, वी एब्सोल्यूटली लव द थ्री ऑफ यू। जस्ट टू गेट बैक टू स्टार्ट विद नमिता मैम एंड अमन सर, कैन यू टू टुगेदर कम इन एट 7%? यस, लेट्स डू इट। इट्स अ डील। वक्त बताएगा आप। अमन, we should have a victory dance. Yeah, we should. You should. What do you want? We should have a victory dance.